हम बात करने वाले हैं भैया आज मतलब ही दुनिया के ऊपर पर वैसे यार ये टाइम जो है ना दस बजे का ये मैंने इसलिए चूज किया मेरे को लगा कि यार दस बजे का टाइम बेस्ट है यही ऐसा टाइम होता है जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे होते तो इस टाइम पे मे मुझसे बात कर ले तुम्हें कैसे नहीं लगता है भाई मत, दुनिया बहुत भयंकर है भाई एक तो लिफ्ट दी थी उसने वॉलेट गायब कर दिया अरे यार भाई ये तो बहुत बुरा है परसी मार दिया देख ये यही तो कह रहा है आजकल तो यार किसी की मदद करना भी इतना मतलब ऐसा डर सा लगता है लोगों की मदद ही नहीं कर सकते तो लिफ्ट वाली बात से एक बार बताता हूँ एक बार क्या हुआ तो हुआ ऐसा हम जा रहे थे मालदेवता से ट्रिपलिंग करके देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात ये होती है कि वहाँ पे मेरे को रोक लिया पुलिस वालों ने अब उन्होंने कहा भाई बताओ क्या क्या है, है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर देखो दिमाग लगाने का तरीका ये होता है ना वहाँ पुलिस वाले अंकल को अपने ने बस ये बोला कि अंकल देखो ये तो गांव का है कोई मुझे नहीं पता कौन है मेरा दोस्त दोस्त मैं तो आ रहा था धूप थी से छोड़ रहे है। पुलिस वाले अंकलों को फिर ऐसा लगा चल यार किसी की मदद कर रहे थे हमने खाली रोक दिया पता है मैं एनिमल लवर किस वजह से बना यही रीजन है कि क्योंकि किसी की मदद भी करो ना तो उसके बाद अंकल वो एहसान दिखाते हैं और तुम्हें ऐसा लगेगा की यार फालतू ही मदद करी और ऊपर से से बेकार पॉइंट पता है क्या अगर तुम किसी इंसान की मदद करोगे ना तो तुम हमेशा एक आस लगाए बैठे रहोगे कि यार ये इंसान भी कभी ना कभी मेरी मदद जरूर करेगा जब मेरा गलत टाइम आएगा शायरी करी जाए हो जाओ शुरू उमंग के लिए स्पेशल शायरी जली को आग कहते हैं बुझी को राग कहते हैं और जो उमंग की लाइफ पे ले ले उसे डॉक्टर साहब कहते हैं ताली ताली ताली, ताली। उमंग के लिए स्पेशल थी और उमंग तुझे ताली बजानी हाथों से नहीं पट 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 पीछे से उंगली करता है हर जगह भाई देखो ये है ना ये ये उंगली ना मानती नहीं है अभी ऐसे ऐसे चलनी है अब कहीं तो चलानी है परेशान करते, करते, करते तो तो हैं तो है। और मैं लाइव से हट गया मेरे पे का मैसेज आ रहे भाई हमारा नेट नहीं चल रहा है लाइव से बाहर हो गया अरे तुम बाहर नहीं हुए मेरी लाइव कट गई तुम तो अंदर ही थे क्या करो गलती से टैप हो गया मुझसे माय मिस्टेक आई जेन्यूनली अपोलोजाइज फॉरवा देखा मिली भगाते है। ये का ऐसा तो हो नहीं सकता पैसा ना आ रहा साला हर किसी का पैसा खाते है हैं में कुछ है ही नहीं जिंदगी में जीने लायक एकदम मरी हुई लाश की तरह जिंदगी है फर्स्ट ईयर में जो कैडेवर देखे थे ना हमने जिनपे हमने एक्सपेरिमेंट किया था मुझे नहीं पता था की भयंकर हम लोग फाइनल ईयर देते देते हम ही कैडेवर बन जाएंगे और भाई हम बन चुके हैं कैडेवर पान में स्टाइप लगा कर खा गया okay. अब भाई वो आदमी इंसान का बच्चा पान में रख के खा जाए तू स्टाइपेंड की बात कह रहा देख रहा तू जब जब फर्स्ट ईयर में था वो कैसा था फाइनल ईयर में आते आते समोसे जैसा बन रहा है अब पैसा खा रहा है साला हेरा फेरी कर रहा है इधर से उधर मैं तो चाहता हूँ एक दिन सीबीआई की रेड पड़े और सबको उठा के ले जाए भाई हमारे कॉलेज दरवाजे का हैंडल टूट गए है ना अगर तो उसके भी पांच सौ पांच रुपए मांग ले रहे यार आराम इतने नंगे किस्म के लोग हैं मतलब इतनी तो शर्म होनी चाहिए भाई की बच्चों से क्या लूट रहे हम हम खाली पीली भाई खाली पीली वो बेचारे उसको गाली देते थे हम क्या था उसका नाम जिसका अपने अपने आखिरी इंसान से डिमांड करी मुझे लगा नहीं था मुझे लगा घंटा नहीं देंगे भाई अब अब तो पैसे गए उड़ा लिए ये कौन देता है मेरे को दिए होते मैं खुद नहीं देता मेरा कॉलेज होता बोलता भाई ये क्या आएगा दो साल बाद मांगा पर भाई मानना पड़ेगा तीन दिन के अंदर भाई प्रोसेस करके दे दिए अतुल भटनागर हाँ भाई और भाई वो बंदा ना वैसे था यार उसे मतलब देशभक्ति का कीड़ा तो था सरकारी और प्राइवेट में बस यही अंतर होता है प्राइवेट में काम के पैसे लगते हैं और पैसे का काम होता है सरकारी में काम के पैसे लगते हैं वो खा दिए जाते हैं तो काम हो नहीं पाता और और पैसे लगते हैं और ये एक लूप होल बन जाता है शार्क टैंक में ना सबसे गलती पता है क्या है की शार्क टैंक में ना उन्हें बिठा रखा सरकारी जितना जितने उनमें बैठे इसलिए शार्क तो भाई ऐसा खाते है पैसा भाई काम कुछ नहीं कर पा रहे पर पैसा फुल पावर खा रहे हैं महंगा दबा के योगी तू बता तू तो दिल्ली से है तुझे क्या लगता है केजरीवाल सही आदमी है कि नहीं है मतलब देखो मेरे को बुरा नहीं लगता हूं। मेरे को ठीक लगता है यार नेता की तरह नेता ही है वो पर यह एटलीस्ट पढ़ा लिखा है थोड़ा वरना यहाँ के सीएम ने तो ये बोल दिया था कोरोना एक प्राणियों से भी जीने का अधिकार है एक वो कहता है कि भाई हमने ऐसी ऐप बनाई है कि हम यहाँ से बारिश करवा देंगे कहीं भी भाई उत्तराखंड में आग लगी हुई उसकी ऐप ही नहीं चल रही सर्वर डाउन चल रहा है उसकी ऐप से उमंग इंडियन गवर्नमेंट नहीं बनिया बिल्कुल भाई बिल्कुल अभी ये योगी से पूछना अभी भाई इन्होंने जैसे तुमने ट्रम्प टावर देखा होगा तुमने बुर्ज खलीफा देखा होगा और जैसे और भी हैं जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसके दोनों ट्विन टावर्स थे दिल्ली में भी नया बनाया है अग्रवाल टावर तो अग्रवाल टावर के पंद्रहवें माले पे जो बंदा रहता है वो योगेश अग्रवाल है उमंग जैसे बंदे उन्होंने चाहिए पंद्रह बीस भयंकर वहां से बैक टू बैक लिख रहे हैं रिप्लाई दे रहे हैं तुम भयंकर कुछ बात बोलो बीच में नहीं काट अपनी बात मेरी बात पहले सुन तो बंदे ना जो भयंकर लगातार बता रहे हो नहीं तू कुछ नहीं बोलना पहले मेरी बात सुन ना पहले मेरा मैसेज पढ़ तो ऐसे ऐसे में मजा आता है जैसे मैं मैसेज पढ़ ये इसमें मजा है कितना तो चूतिया है ना बी टी की मतलब तुम खुद देखो क्या है उसमें तुम बहकर आई आईडेंटिफाई माई सेल्फ एस कुछ भी तू अपने आप को मोबाइल फोन भी आइडेंटिफाई कर सकता है अपने माथे में सिम कार्ड लगा के चल सकता है कहीं भी तू बोलेगा भाई मैं अपने आप को मोबाइल फोन समझता हूँ मुझे लगता है कि मैं पैदा मोबाइल फोन की तरह हुआ था और तू यहाँ पे जियो का सिम चिपका के पूरे रस्ते में घूम सकता है और तू अपनी मर्जी से चलते चलते किसी पे भी चिपक सकता है बोलेगा कॉल लगी थी या किसी को भी फिलहाल बोलेगा ये हो गया था डेयर है आपको नाच के दिखाओ भाई देख मैं कैसे नाचू यार मेरी मेरे इतना जो हिस्सा दिख रहा है ना मैं बस इतना ही हूँ इसके नीचे कुछ है नहीं मेरा मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा हुआ ऐसा कि मैं पबजी खेल रहा था अपनी छत में बैठ के अब यार चिकन डिनर होने वाला था और ये अग्रवाल जी के चक्कर में इन्होंने बहन कर मेरी पोजीशन लीक कर दी अब इनके चक्कर में मुझे इतना गुस्सा है ना मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं पीछे पलट गया मेरे को लगा मैं बिस्तर में वो चार्जर लगाने के लिए ऐसे पीछे हुआ और मैं छत में था वहां से नीचे गिर गया तो उसकी वजह से नहीं हुआ मेरी कमर में दरअसल मैं अपने पड़ोसी के सर में गिरा तो उसका सर मेरी कमर में लगा तब तक भी ठीक था कुछ नहीं हुआ था फिर मेरा पड़ोसी इतना खतरनाक है ना उसने कहा तूने मेरे सर पे मारी अब मैं तेरी कमर में मारूंगा तो वो ना वापस अपनी छत में गया और वहां से ना डेथ डाइव ली उसने मेरी कमर पे उसने मेरी कमर पे अपना सर मारा बहुत जोर से तो इसलिए यहाँ से नीचे ना कुछ नहीं बचा मतलब लटक गया है सब तो मैं यार वरना मैं डेयर तेरा पक्का पूरा करता मैं नाच के दिखाता बट अब क्या करूँ अब नाचने लायक कुछ बचा नहीं बचन ही नैसे नाचूगा भाई को राम रा, राम राम सारे बड़ी जल्दी विकास भाई हमारे ऐसे हैं कि ये हर काम में आगे रहते हैं और जिस काम में इनकी जरूरत है ये उस काम में पीछे रह जाते हैं बाकी ये सारे काम करते जोरदार है ऐसी ही नहीं इनका नाम विकास सौरभ सिंह है तीन लोगों की पर्सनैलिटी एक बंदे में काम के समय पे ये विकास दिखाते हैं पर गुस्से में इसके सीन जरूर निकल जाते हैं तो विकास तो हो गया पर सौरभ किस चीज में जैसे देखा होगा तुमने रजनीकांत की पिक्चर में या तो साइन करता है ऐसे दो पैंसर फिर ऐसे एक साथ फिर ऐसे करता है रिलोड वो इससे लिया गया है इसने इन्वेंट किया था तो सबसे पहले ये ऐसी तो लिखता है ऐसे ऐसे करके इधर भी आधा दिमाग इसका आधा चलता है आधा दिमाग आधा चलता है पर आदमी तीन है दिमाग आधे आधे खोल देता है इधर वाला दिमाग कुछ अलग ही कैलकुलेट करेगा इधर के दिमाग में इसके लौंड आबाजी चल रही होगी इधर के दिमाग में पढ़ाई चल रही होगी तभी तो भाई बनना है मल्टीटास्ककिंग अभी मेरा कुत्ता है ना भी है कमरे में ये भयंकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा बाहर जाने के लिए बेचारा मेरे पास एक डॉगी है उसकी आंखें नहीं है पता है दरअसल अब मैं तुम्हें इसकी पीछे की कहानी बताता हूँ उसकी आंखें क्यों नहीं है उसकी आंखें थी पहले जो मैं तो घर लेके आया था ना उसकी आंखें थी वो देखता था फिर एक दिन में लाइव आ रहा था उसने अपने फोन में मुझे लाइव पे देख लिया तो उसने बोला अगर भयंकर इस आदमी को मैं ऑफलाइन भी देख रहा हूँ जब यूट्यूब खोल रहा हूँ ऑनलाइन तो भी दिख रहा है उसने गुस्से में अपनी आंखें आंखें इसलिए वो बिना आंखों का होगा वरना पहले थी उसकी <laughs> <laughs> चमन सी है खड़े तू जो लिखना चाह रहा है मैं समझ रहा हूँ तू मेरा सपोर्ट करता है भाई थैंक यू उस बात के लिए जो वो बच्चा आता है ना छोटा सा वो झाटू सा बच्चा काला सा जो कहता है जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा अभी फिलहाल मुझे ना वो लग रहा है कि वो तू ही है अरे भाई डीजे डीजे तो मैं बन जाऊंगा पर मेरे गाने सुनेगा कोई बात तो ये हाय बोल दे ये बोल रहा बंदा कौन हाय 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 डीजे वाला नहीं डीजे बन जाओ अच्छा म, मैं ना भाई देख मैंने अमेजोन से दो स्पीकर ऑर्डर करे हैं एक मैं लगाऊंगा अपने माथे पे है ना और दो स्पीकर लगाऊंगा यहाँ पे ठीक है तू चाह रहा है मैं डीजे बन जाऊं ना मतलब मैं डीजे वाला ना बनू मैं खुद वो डीजे का स्पीकर बन जाऊं तो मैं एक यहाँ पे और दो यहाँ पे लगा दूंगा ठीक है और एक प्लग ले लूंगा जो मैं अपने पीछे डाल दूंगा तो फिर जहाँ पे बजना होगा ना बता दी मैं वहां पे आके खड़ा हो जाऊंगा प्लग बजा देना और मैं बजता रहूंगा ठीक है अब यार मैं डीजे वाला स्पीकर कैसे बन सकता हूँ फिर से एक बार देख भाई फिर से एक बार बता तो मैंने मंगा रखे हैं स्पीकर ऑनलाइन ऑर्डर करे मैं एक स्पीकर लगाऊंगा अपने माथे में दो स्पीकर लगाऊंगा यहाँ पे और एक यूएसबी केव अपने पिछवाड़े में चाहिए होगी ना तुझे तो साउंड आउटपुट चाहिए होगी तू तो वहां प्लग सॉकेट ढूंढ लेना और सॉकेट को लगा देना मैं बच जाऊंगा फिर गाने बजेंगे जितने गाने चाहिए तुझे उतने बैक टू बैक और स्पीकर अच्छी क्वालिटी के होंगे तो फटेंगे भी नहीं जल्दी से अगर मैं किसी की बेइज्जती करने पे आऊंगा तो मैं इतनी बुरी बेइज्जती कर सकता हूँ कि सामने वाला बंदा ना अपने आप को जब जब शीशे में देखेगा ना तो उसे ना खुद पे रोना भी आएगा और हंसी भी आएगी कि छी यार कैसी गाली सुन के आए छी यार कैसी बात है तो मतलब डार्क होने से मुझे मुझे ना उसको मतलब हो सकता है कि उसकी ना झेल तो क्या करना है तुम्हें तीन बंदे और हैं एक महीने के अंदर और उन तीन बंदों को ये बात बतानी है कि तीन बंदे और जोड़ने हैं और ये चेन कंटिन्यू रहनी चाहिए अगर तुमने ये कर दिया तो इसका मतलब तुम इस चैनल के लायक हो तुम्हें बस ये करना है तुम बस इतना करो तुम अगर इतना कर दोगे ना तो फिर आगे काम बहुत सिंपल हो जाएगा तो फिर अब मैं तुम लोगों से लेता हूँ विदा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव गुड नाइट टेक केयर बाय